चारों दिशाओं दिशाएं जो है वो जलने लगी हुई है।
पानी हो गया और उसकी आशंका धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। फिर धीरे पानी घर के अंदर तक घुस आया। घर में आने के बाद में बाहर से हमें शुद्ध होने लगा। बाहर से हमें शुद्ध होने लगा तो आस पास चारों ओर के वातावरण में पानी अत्यधिक फैल गया। पानी अत्यधिक फैलने से खेतों में नुकसान हो गया। गाय का शेड जो था वो उड़ गया था। हमें इसी जहाँ पर उन्होंने बांधी थी वो भी उड़ उसके भी रहने का स्थान जो था पूरी तरह गीला हो गया था। जमीन जो थी वो धंसने लग गई थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसका जो आनंद था वो आश्रम वहाँ पे बदल गया। जब बिजली चली गई तब लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जब बिजली चली गई तो लेखक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि उसके यहाँ पर बीड़ी सिगरेट नहीं दिखता था। माचिस का अभाव था। दिया जलाई उसको मिल नहीं रही थी। टॉर्च जो थी वो भी टूटी फूटी थी। तो इस कारण से उसको पूरी तरह से अंधेरे के कमरे में रहना पड़ रहा था। पानी अलग भरा हुआ था जिसके कारण सब चीजें गीली हो गई थी। फिर उन्होंने आस पड़ोस से कहीं से टॉर्च का प्रबंध किया और टॉर्च का प्रबंध करने के बाद ही उन्हें एक दीपक दिखाई दिया और दीपक को उन्होंने जलाकर अपने घर में प्रकाश किया। बाढ़ पीड़ितों की सहायता किस प्रकार की गई? बाढ़ पीड़ितों की सहायता बाढ़ पीड़ितों की सहायता वस्त्र अन्न देकर की गई। शिक्षा संस्थाएं उनके लिए खोले गए जहाँ पर उन्हें आश्रय दिया गया और जेल बोर्डिंग में उन्हें आश्रम मिला आश्रय मिला। और इस प्रकार से जो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति थे उन सभी को वहाँ पर आश्रय दिया गया और उनका विशेष ध्यान रखा गया। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको बुक में से ही फिल करना है, आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है, इसमें कुछ ग्रामर भी है, वो ग्रामर आप इसमें देखिएगा। वाक्य में प्रयोग है, मुहावरे हैं, समास हैं और अनेकार्थक शब्द, ये सभी आपकी बुक के पीछे है जो मैंने 11th में भी पढ़ाए हैं। ओके, थैंक यू।